प्रश्न संख्या चार, निम्नांकित एक घन का असंपूर्ण निर्माण जाल है। इस असंपूर्ण निर्माण जाल को संपूर्ण कीजिए ताकि एक घन का निर्माण हो सके। तो देखिए, हम जानते हैं कि घन में छह फलक होता है यानी छह सतह, तो तीन सतह तो दिया हुआ है, तीन और बना देना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको बना देते हैं स्केल से, यहीं पे देखिए बना देते हैं आप लोग कॉपी में इसको। देखिए इस तरह से पहले हम जितना सब सब फलक क्या होता है, इसका बराबर होता है। ठीक है, तो बस हम बराबर बराबर ही इसका बनाएंगे सब। ये हो गया, देखिए चौथा सतह हम बना दिए हैं। अब एक और बनाएंगे हम, देखिए ये हो गया पांचवा फलक। तो एक दो तीन चार पांच, पांच फलक हो गया। अब एक और एक फलक और बनाना है बस, तो अब इसको भी हम बना ही देते हैं ऊपर। तो ये बन चुका है घन का संपूर्ण निर्माण जाल। देखिए एक दो तीन छह फलक होता है, ठीक है, छह सतह। तो और भी अनेक यानी और भी आप दूसरा तरह से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसको इसमें और एक जोड़ करके, ठीक है, फिर इधर जाके इस तरफ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि इसी तरह का सिर्फ बनेगा, तो और भी अनेक संभावनाएं हैं इसको बनाने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे एक और जोड़ेंगे इस तरह का, फिर एक और, फिर एक एक इधर। ठीक है, इस तरह भी आप बना सकते हैं, तो अनेक संभावनाएं हैं। तो इस तरह से देखिए आपको बना लेना है बस। अब प्रश्न पांच, निम्नांकित चित्रों में घन का संख्या बताएं। देखिए इसमें कितना घन है उसका संख्या बताना है। तो इसमें देखिए किस तरह गिनना है, तो घन घन मतलब देखिए पूरा आ जाएगा यहां से यहां तक। तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, बीस हो गया इतना। तो देखिए तीन लाइन बना रहा है, एक लाइन इतना हुआ, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, तो बीस या साठ हुआ। तो बस एक कम है देखिए यहाँ पे, तो साठ में से एक गया तो उनसठ, यानी इसमें कितना घन है, उनसठ है। फिर से देखिए हम गिनते हैं, तो इसका लिख देंगे हम उनसठ। फिर से देखिए पहले इसको गिन लेते हैं, एक दो तीन चार, और एक दो तीन चार पाँच, पाँच चौक बीस हो गया इतना। यानी ये जो पूरा यहाँ से देखिए यहाँ तक कितना हो गया, बीस, ये पूरा। तो तीन लाइन है देखिए, एक लाइन ये वाला और एक लाइन ये, तीन लाइन है। तो बीस या साठ हुआ, साठ घन है यहाँ, साठ घन, लेकिन एक कम है देखिए यहाँ पे, कटा हुआ है एक, तो साठ में से एक घटा देंगे तो उनसठ। ठीक है, घन गिनना है, ये नहीं कि आयत नहीं गिनना है, ठीक है, पूरा गिनना है। देखिए तो तीन लाइन है यानी तीन घन जुटा हुआ है, देखिए एक घन दो घन तीन घन, तो बीस घन हुआ इतना। तो बीस तीन घन, बीस या साठ में से एक कटा हुआ उनसठ। ठीक है, अब इसमें देखिए एक घन दो घन तीन घन चार घन पांच घन छह घन सात घन आठ घन नौ घन दस घन। ठीक है, कितना घन हुआ इसमें, दस। तो इसका उत्तर हो जाएगा दस। तो बस इसका लिख देना है, देखिए घन पूरा घन ये पूरा लेंगे, ये नहीं कि सिर्फ आयत नहीं गिनना है, पूरा घन लेना है। तो एक घन दो घन तीन घन, देखिए इधर चार चौथा घन पांच छः सात आठ, और दो इधर दिख रहा है दस। तो इसमें कितना घन हो गया, दस। तो प्रश्न पांच भी हम हल कर चुके हैं। तो प्रश्न छः, निम्नांकित चित्र में घनों की संख्या बताइए।
फिर ठोस के लिए तीन दृष्टिकोण से चित्र दिया गया है, शीर्ष से, सम्मुख से तथा पार्श्व से देखे गए चित्रों को पहचाने। तो देखिए इसमें कितना घन है, एक घन हो गया, दो तीन चार पाँच छः, छः घन है इसमें, तो छः घन हुआ। तो इसमें कितना घन है, छः घन, ठीक है। तो निम्नांकित चित्र में घनों की संख्या बताना है, तो कितना घन हुआ, देखिए एक घन ये पूरा हुआ, दूसरा तीसरा चौथा ये पूरा, पांचवा छठा, छः घन हुआ, ठीक है। अब कह रहा देखिए शीर्ष से देखने में इस तरह का लग रहा है, पार्श्व से देखने में इस तरह का, चित्रों को पहचानना है यहाँ पे। अब देखिए पहला, तो पहला हम देखिए इस तरह कैसे देखने में इस तरह दिखेगा, शीर्ष से या सम्मुख से तथा पार्श्व से। तो देखिए शीर्ष से देखने में एक दो तीन चार, चार घन दिखेगा, चार घन का आगे वाला दिखेगा, ठीक है। तो चार हुआ, देखिए एक दो तीन चार, चारों दिखेगा आगे से, यानी शीर्ष से या सम्मुख से। तो आगे से देखें या ऊपर से देखें, तो पहला में हम लिखेंगे, देखिए पहला का उत्तर होगा, तो हम लिख देते हैं देखिए यहीं पे, पहला में हम लिखेंगे, यानी ये पहला में सम्मुख, सम्मुख से या शीर्ष से, सम्मुख से या शीर्ष से, ये हो गया पहला। पहला हल हो चुका है। दूसरा, दूसरा में देखिए ये कैसे दिखेगा, तो पार्श्व इधर से देखिए, पार्श्व से इधर से देखने पे दो ही घन दिखेगा, क्योंकि एक घन ये है और एक घन ये, दो ही घन इधर से देखने में लगेगा, देखिए एक घन ये, दो ही घन, तो ये पार्श्व से देखने में ऐसा दिखेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे पार्श्व से, ठीक है। दूसरा का उत्तर हो जाएगा, पार्श्व से दिखने में इस तरह का दिखेगा। तीसरा, तीसरा में फिर देखिए यही चीज दे दिया है, तो बस सम्मुख से या शीर्ष से यही लिख देंगे, ठीक है, सम्मुख से या शीर्ष से, या शीर्ष से या सम्मुख से, कुछ भी लिख देंगे। तो तीसरा का उत्तर पहला ही हो जाएगा, सम्मुख से या शीर्ष से, या शीर्ष से या सम्मुख से, कुछ भी लिख सकते हैं। फोर में देखिए, तो तीसरा का उत्तर पहला ही वाला हो जाएगा, क्योंकि तीसरा और पहला देखिए एक जैसा है। फोर में देखिए दो, तो इस तरह से देखने में कहीं भी दो नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर इधर से भी देखेंगे तो दो इधर खड़ा दिखेगा, तो ये इसमें देखिए कोई नहीं, ऐसा कहीं से भी नहीं दिखेगा ऐसा, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे हम कोई नहीं, कोई नहीं। तो ये बन चुका है, तो पहला और तीसरा एक जैसा है, जो कि सम्मुख से या शीर्ष से, दूसरा पार्श्व से, और चौथा कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरह हम देखें प्रश्न चार पाँच और छः हल कर लेंगे आसानी से।